दोस्तों सोशल मीडिया पर या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में एक सवाल बहुत ज्यादा सुर्खियों में हमेशा रहता आया है, और वो सवाल है कि क्या कारण है कि भगवान के सारे अवतार भारत में हुए हैं, भारत वर्ष में ही हुए हैं। मैंने इस सवाल के जवाब के लिए बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस को देखा कि देखते हैं कि लोग क्या बता रहे हैं, और ये सारी यूट्यूब वीडियोस देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मुझे नहीं लगता कि जितने भी यूट्यूबर्स ने ये वीडियो डाली है उन्हें पता है कि इसका सही कारण क्या है। यहाँ तक कि इन लोगों को ये तक नहीं पता है कि महाराज मनु का साम्राज्य पूरी पृथ्वी पर था और इनके पुत्र ने इसको 7 भागों में विभाजित करके अपने 7 पुत्रों को बांट दिया था। जब इनका 8वां पुत्र वापस आया तो उसके हिस्से में कुछ बचा ही नहीं था। फिर बाद में वो पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट नाभाग बने। ये कहानी बहुत रोचक है, चक्रवर्ती सम्राट नाभाग की कहानी बहुत रोचक है। परंतु यहाँ पर सवाल ये है कि क्या कारण है कि सारे अवतार भगवान के भारत में हुए हैं, इसलिए यहाँ पर हम चक्रवर्ती सम्राट नाभाग की बात नहीं करेंगे और इस सवाल पर ही आएंगे। मैं आपको कई भागों में अलग अलग समझाऊंगा, तभी आपको इसका उत्तर समझ में आएगा। दोस्तों सभी अवतार भारत में हुए ये आपसे जिसने भी कहा उस दरअसल उसकी समझ में उसकी समझने में त्रुटि है, उसके समझने में गलती है। अलग अलग समय में भगवान अलग अलग जगह अवतरित होते रहे हैं पृथ्वी पर हर जगह, परंतु दूसरे जगह पर अपने धर्म का नाश हो चुका है। वर्तमान समय में हिंदू धर्म ज्यादातर मुख्य रूप से भारत में विद्यमान है, इसलिए भारत में ही हिंदू धर्म की या सनातन धर्म की नॉलेज है। दूसरी जगह पर हमारे धर्म का नाश हो चुका है और वहाँ की धार्मिक किताबें भी नष्ट हो चुकी हैं। दूसरे धर्मों का आधिपत्य हो चुका है, दूसरे पंथों का संप्रदायों का आधिपत्य हो चुका है, इसलिए हमको उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। दूसरी बात यह है कि आज से 8000 साल पहले दूसरे जो रिलीजन है उनके अनुसार मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि लगभग आज से 8000 साल पहले यहूदी जो धर्म है उनके मुख्य धर्म गुरु मूसा के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके पहले वहाँ पर सूर्य देवता की पूजा होती थी। अगर आप नॉर्स माइथोलॉजी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वहाँ पर इंद्रदेव की पूजा होती थी, बस उनके नाम थोड़े से अलग अलग हैं। आज भी पारसी में अग्नि देवता की पूजा करते हैं। आपको ये बात पता चल गई होगी कि देवता हर जगह थे, बस उनके रूप अलग अलग थे, उन्हें अलग अलग नाम से पुकारा जाता। मूसा को किसने ज्ञान दिया, बुद्ध को किसने ज्ञान दिया? जब अब अपने से ज्ञान तो मिल नहीं जाता, अगर विश्वास न हो तो अब खुद ध्यान में 10 साल बैठे और देख लो कोई ना कोई वो ज्ञान आपको प्रदान करेगा, मतलब ईश्वर आपको ज्ञान प्रदान करेगा। अमेरिका के दोनों द्वीपों, ऑस्ट्रेलिया के द्वीप, अफ्रीका के द्वीपों में आपको पता ही होगा आज से 1000 साल पहले केवल जनजाति रहती थी, और आज भी उन सभी देशों की मूल लोगों के बारे में आप पता कर सकते हैं। वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, इसका मतलब वो उस वक्त भी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, वो केवल प्रकृति की पूजा करते थे। इसका मतलब वहाँ पाप बिल्कुल न के बराबर था, क्योंकि पाप वही होता है जहाँ ज्ञान होता है। जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ पाप नहीं, ऐसा इसलिए है ज्ञान से ही बुद्धि का विकास होता है। वहीं से लालच आता है, वहीं से क्रोध आता है, वहीं से काम आता है, और बहुत से पाप कर्म वहीं से शुरू होते हैं जब भी आपकी बुद्धि का विकास होता है। इसका ये मतलब नहीं कि ज्ञान बुरा होता है, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा पहलू होता है एक बुरा पहलू होता है। अब आपको कौन सा पहलू देखना है ये आपको देखना है, ये आपके ऊपर निर्भर है, ये आपके पर्सनल विचार पर निर्भर है, और विज्ञान ज्ञान पर निर्भर है। जैसे जानवर कभी कोई पाप कर्म नहीं करते, वैसे ही अशिक्षित जो मनुष्य होता है वो भी बहुत भोला होता है और वो भी पाप नहीं करता है। भगवान ने बोला था जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा तब तब वो जन्म लेंगे, परंतु जहाँ पाप नहीं होगा वहाँ भगवान कैसे जन्म ले सकेंगे? जैसे मूसा के वक्त पाप बढ़ा और वहाँ भगवान ने मूसा के द्वारा पाप का अंत करवाया, जैसे महाभारत में अर्जुन के द्वारा करवाया, उसी प्रकार आप अन्य धर्म ग्रंथों में आप देख सकते हैं भगवान ने कैसे कैसे क्या क्या किया है। अलग अलग धर्मों में उनका नाम अलग अलग है। ये बात सत्य है कि मनुष्य की उत्पत्ति भारत से हुई है और यह सभी धर्म मानते भी हैं, इसलिए भारत में ही सबसे पहले ज्ञान का प्रचार भी हुआ और इसे ही कुछ मनुष्य अच्छे हुए जिनकी कथा हम आज भी पढ़ते हैं, और कुछ मनुष्य बुरे भी हुए। अब भगवान ने गीता में क्या कहा फिर से याद कीजिए, जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा तब तब वो जन्म लेंगे, और वैसे ही भगवान ने किया भी। शायद ये चीजें आपके मन में साफ हो गई होंगी कि भगवान ने केवल भारत में ही जन्म क्यों लिया और फिर और कहां कहां लिया। जो लोग वेदों को पूरी तरह नहीं मानते थे उनको मलेच्छ कहा जाता था। ये लोग ज्यादातर भगवान शिव की पूजा किया करते थे, क्योंकि भगवान शिव बिना किसी वैदिक नियम के भी खुश हो जाते हैं और इनके रीति रिवाज इनकी जगहों के हिसाब से होते थे, क्योंकि बहुत से वैदिक नियम बहुत कठोर होते हैं और बहुत से जगहों में इनका पूरी तरह पालन करना संभव नहीं है, इसलिए वो इनका पालन न करके अपनी सहूलियत के हिसाब से प्रयोग करते थे, इसलिए उनको
को मलेच्छ कहा जाता था। ये सनातनी थे ही नहीं, ये हिंदू थे ही नहीं। हो सकता है भगवान ने धरती का कार्यभार बहुत से देवताओं में अलग अलग बांटा हो। जैसे दक्षिण भारत का भारत के जो देवता है वो कार्तिकेय स्वामी है, उत्तर भारत में गणेश भगवान को, पश्चिम एशिया का जो कार्यभार है वो सूर्य देव को, यूरोप का इंद्र देव को, या कुछ इसी तरह डिविजन किया हो, जिसकी वजह से हम वहाँ के परमानेंट लोकपालों के बारे में नहीं जानते हैं, या वहाँ के लोग वहाँ के देवताओं को नहीं जानते। दोस्तों, इस वीडियो में जितनी भी बात आपको बताई गई है ये मेरी पर्सनल सोच है, इसका किसी भी धर्म ग्रंथ से या किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए यूट्यूब चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।